السلام عليكم जरमीन जहरा फ़्रॉम जियो न्यूज़ पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हालिया अजम इसम के नाम से ऑपरेशन का ऐलान किया गया और माजी में देखा गया है कि दो अहम ऑपरेशन राह निजात और ज़रब अजब जो है वो आ, पाकिस्तान के अहम ऑपरेशन या मिलट्री ऑपरेशन जिनमें भरपूर फ़ौजी ताकत का भी मुजाहरा किया गया है और साथ देखा गया कि उसमें लार्ज इस्केल पर डिसप्लेसमेंट जो थी वो भी सामने आई अब भी ये इससे मुवजना किया जा रहा है अजबरब अज़ का जो इस मुजना किया जा रहा है अजम इसकाम से और ये एक सियासी तौर पर सियासी हलकों में भी ये राय पाई जा रही है कि क्या डिस्प्लेसमेंट्स अब भी इस ऑपरेशन में भी होगी इसकी नोयत क्या होगी इस हवाले से थोड़ा तो सा बताइएगा जी देखिए ये आई विल टेक अ लिटिल टाइम ऑन दिस क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कंफ्यूजन है दिस इज़ ए वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन ये जो अजम इसकाम के अजम इसकाम क्या है आई विल स्टार्ट बाई से हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं और यह अजम उसकी एक आपके सामने मिसाल है बिफोर आई डू वॉट इज अजम इसकाम क्लियरली अप्रंट ईयर कहता हूँ, दोबारा ये कहूँगा क्योंकि यह हुकूमत भी पहले कह चुकी है कि अजम इसक एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेर्रिजम कैंपेन है एंड इट इज नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से जिस तरह इसको प्रजेंट किया जा रहा है नो इफ वी सी जो मैंने पहले कहा कि कैसे एक संजीदा बात को भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है तो अज़म इस के ऊपर बाईस जून एक को लास्ट मंथ नेशनल एपेक्स कमेटी का अजलास होता है प्राइम मिनिस्टर की जे सदारत उसके अंदर जो चीदा चीदा वफाकी बुजरा हैं वजी दफा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वज़ी दफा हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फाइनांस ये जो अपना इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट उसके अंदर सारे सूबाई जो चीफ मिनिस्टर हैं मौजूद हैं सारे सूबों के जो चीफ़ सेक्रेटरीज हैं वो भी मौजूद होते हैं जो मुतलका सर्विस चीफ सारे मौजूद हैं सर्विस चीफ आर देर निवल चीफ नेवल अपना आर्मी चीफ आर देयर और उसके बाद जो कंसर्नड जितने सिविल हैं और मिलिट्री ऑफिशल्स हैं जो इन मामला से इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले हैं देर देयर अब वो जब इजलास होता है तो उसके बाद उसका कलामिया जारी होता है बाईस जून का कलामिया जारी होता है आप सारे चूंकि हैं, आपने यकीन इस्लामिया को पढ़ा होगा एंड ए कंफ्यूजन स्टार्ट आई विल जस्ट ट्राई कि मैं वो जो अलामिया है जो 22 जून का अजमे इसमेंट है तो वो तो डॉक्यूमेंट है ना आई विल जस्ट गो थ्रू कंसर्न पॉइंटेंट पॉइंट इन दैट ये कहता है कि यह जो एपैक्स कमेटी का फोरम है इसने इसने्रीहेंसिव रिव्यू किया ऑन गोइंग काउंटर टेररिज्म कंपेन का और उन्होंने प्रोग्रेस जो मल्टी डोमेन टेनेंट्स ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान वर स्क्रूटनाइज तो नेशनल एक्शन प्लान तो 2014 में और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान तो 2021 में बना था उसके जो इतने डोमेन्स थे उन्होंने उसको प्रोग्रेस को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई की शॉर्टकमिंग्स जो उसकी इंप्लीमेंटेशन में है और इस बात पे जोर दिया गया कि एक जरूरत है देर इज ए नेसेसिटी फॉर ए कॉम्प्रीहेंसिव एंड री इन्वोग्रेटेड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी इसको भी बंद कर दे फॉर ए काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रेटजी है उसकी जरूरत है कॉम्प्रीहेंसिव और री इन्वेटेड जो कि बुनियाद की जाएगी ऑन कंप्लीट नेशनल कंसेंसिस एंड सिस्टम वाइड सिनर्जी ये आप समझ रहे हैं वो कह रहा है कि रिवाइज नेक्शन एक्शन प्लान का अदा किया उन्होंने कहा कि हमें एक कॉम्प्रीहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनानी है नेशनल कंसेंसस करके और इस डिस्कशन के बाद वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया एक री इनवोग्रेटेड एंड री एनर्जाइज नेशनल काउंटर टेररिज्म कंपेन तो क्या चीज है ये जो मैंने अर्ज किया इट्स ए कंपेन किस चीज को उन्होंने कहा री इनवोग्रेटेड एंड री एनर्जा ऑलरेडी दहशतगर्दी की कंपेन चल रही है उसको री इन्वोग्रेट और री एनर्जाइज करने की जरूरत है और उन्होंने कहा कि इसमें और इसके जरिए इस कंपेन को हम ऑपरेशन अजम से काम से लॉन्च करेंगे जिसमें कंसेंसिस होगा और, और ये जो अप्रूव हुई इस कंसेंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द प्राम देशनल रिजॉर्ट टू रेडिकेट एक्सट्रीजम एंड टेरिज्म फ्राम दी कंट्रीज आगे यही अलामिया कहता है अजमे इस्तेकाम क्या होगा इट विल इंटेग्रेट एंड सैनरजाइज मल्टीपल लाइन टू कम बैक ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड टिजम इन ए एंड मैनर फिर वो बताता है कि ये लाइन्स ऑफ एफर्ट्स क्या है ये इलामिया कहता है इन दोलिटिकल डिप्लोमेटिक डोमेन होगी जहां पर कोशिश की जाएगी कि टेररिस्ट की ऑपरेशनल स्पेस रीजनल कंट्रीज में कम की जाए इसके अंदर जो एफर्ट्स ऑलरेडी चल रही हैं उनको ऑगमेंट किया जाएगा विथ फुल सपोर्ट फ्रॉम दी लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसी एम्पावर्ड बाई एफेक्टिव लेजिस्लेशन की वो तो चल रही हैं उसको एम्पावर किया जाएगा थ्रू एफेक्टिव लेजिस्लेशन एड टू एड्रेस लीगल वाइडर एफेक्टिव प्रोसिक्यूशन ऑफ टेररिज्म रिलेटेड केसेज एंड अवार्ड ऑफ एक्जरी पनिशमेंट ट्रू देम यह इसमें बात लिखी हुई है आगे वो कहते हैं ये लामिया कहता है दी कंपेन विल बी ड्यूली कॉम्प्लीमेंटेड बाई सोशो इकोनॉमिक मैस एमड एट एड्रेसिंग जेनुअन कंसर्स ऑफ दीपल क्रिएट एन एनवाइट दिसकेजेस एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी एक सोशो इकोनॉमिक डोमेन का प्रॉन्ग होगा फिर वो ये कहता है अगला इन्फॉर्मेशन स्पेस विल बी लेवरेज टू प्रमोट ए यूनिफाइड नेशनल बनाया जाएगा उसको कौमी धारे का कौमी, कौ, कौमी और आखिर में वो कहता है कि फोरम ने रिट्रिएट किया दाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान वॉर and is absolutely essential for the nation's survival and well-being. <coughs> और फोरम ने फिर यह कहा और ये वो एपक्स कमिटीज के मैंने मेम्बरान आपको सारे बता दिए दैट नो वन विल बी अलाउड टू चैलेंज द रेट ऑफ द स्टेट विदाउट एनी एक्सेप्शन। आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कौन सा जरबे अजब कौन से ऑपरेशन ये क्या कह रहा है? और यही है आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जो 22 जून की शाम को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इशू हुआ है। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज दैट दिस इज दैट आप सबके पास है, आप अपने मोबाइल पे करें तो यू विल गेट इट और उसके बाद एक नेरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है हम इसकी मुखालफत करते हैं जब वो नरेटिव आता है तो उस, सिर्फ दो दिन बाद चौबीस जून को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दोबारा इकलामिया जारी करता है अब मैं उसके भी चीजें आपको पॉइंट बता देता हूँ क्योंकि आप आज दोबारा मुझसे सवाल कर रही है तो जो मैंने कहा कि हमारा अलमिया ये है कि वी वॉन्ट वी, वी, हम हर संजीदा से संजीदा इस नेशनल सर्वाइवल का इशू है ये हम उसको अभी मजाक बना देते हैं बिकॉज ऑफ अर सियासत ये देखिए 24 जून को क्या कहा गया उन्होंने कहा जी रिसेंटली अनाउंस विजन फॉर एंड स्टेबिलिटी नेम नेजम इसम इज बिंग एर मिस अंडरस्टुंड एंड अर्लियर लॉन्च कनेटिक ऑपरेशन लाइक जरब अजहब एंड राय यही बात दोबारा रिटर्न है हैट पर भी पड़ा हुआ है अखबारों में भी आया उन्होंने कहा यह गलत तरीके से इसको कंपेयर कर रहे हैं जरब अजब राय नजात उन चीजों से द प्रीवियस वर कंडक्टेड टू फिजिकली डिसलॉज टेररिस्ट फ्रॉम देयर नोन लोकेशन बिकम ए एरिया एंड कॉम्प्रोमाइज द रेट ऑफ द स्टेट दो गो एरियाज थे जहां पर स्टेट की रेट नहीं थी तो वो लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन किए गए और उसके लिए लोगों को निकाला गया देर आर नो सच नो गो एरियाज इन दंट्री ये लामिया कह रहा है कि नहीं है क्योंकि अबिलिटी ऑफ टेररिस एंटिटीज टू तो कैरी आउट लार्ज स्केल ऑर्गेइज ऑपरेशन साइड पाकिस्तान वो डिसमेंट ऑफ पॉपुलेशन विल बी रिक्वाड तो ये चौबीस जून को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैजरेडीड दिस राइटिंग फिर आगे वो दोबारा बताता है अजमे इसम इज ए मल्टी डोमेन मल्टी एजेंसी होल ऑफ दिस्टम नेशनल विजन फॉर एंड स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान ताकि किसी ने अगर पिछला पढ़ के उसका अभी भी शक है उसका दोबारा पढ़ लो ये इट इज मैं टू री इनवोग्रेट एंड री एनर्जाइज दोइंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान आगे समझाने उनका एक रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान था ये उसको री इनविग्रेट करना री एनर्जा इट इज नथिंग नथिंग मोर लेस नोर नॉज इनिशिएटेड और वो प्लान इनिशिएटेड आफ्टर नेशनल अक्रॉस रिवाइजनल इनिशियडर स्पेक्ट्रम दिस इज वॉट इट इज अजमे काम इज एम्ड एट एनर्जाइजिंग ऑलरेडी इन प्लेस इंटेलिजेंस बेस्ड कैनेटिक ऑपरेशन जो मैंने आपको कहा इस साल भी बाईस हजार चार सौ के करीब हम कर चुके हैं उनको री एनर्जाइज करना इंटेलिजेंस बेस्ड कैनेटिक ऑपरेशन को और दूसरा उसने कहा कि इसका मकसद है टू रूट आउट फैसिलिटेशन ड्यू टू क्राइम टेरर नेक्सिस इसको मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा एक क्राइम नेक्सिस को कहा कि इसका जो एक मकसद बड़ा अहम मकसद है वो है टेरर का और क्राइम का दहशतगर्दों का और क्रिमिनल माफिया का जो आपस में नेक्सिस है उसको ब्रेक करने एंड रूटिंग आउट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन द कंट्री टू इंश्योर एन ओवरऑल सिक्योर एनवायरमेंट

अभी ये है कि मुझे बताएं कि ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं रिटर्न फॉर्म में एंड दे आर देयर इन पब्लिक डोमेन एंड स्टिल अजमे के ऊपर बहस कंफ्यूजन उसे मतनाजा बनाना क्यों किया जा रहा है इट इज सिंपली बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई आर वेरी हाई देर इज ए वेरी स्ट्रांग लॉबी जो चाहती है कि ये जो अगराज मकाशद हैं अजमे इसकाम के और ये वही अगराज मकाद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की और नैशनल एक्शन प्लान के ये ना पूरे हो नो वाई देट वांट इट उसके लिए आपको ये देखें कि ये रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान क्या था दिस इज इसके चौदह पॉइंट हैं नेशनल एक्शन प्लान आपको याद होगा कि दो में जब वो सान्याप एशा ए पी का तो तमाम स्टेक होल्डर पोलिटिकल बैठे उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसके तकरीबन 21 पॉइंट थे और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जोन सी बड़ी शिद्दत के साथ और तो बड़ी कोऑर्डिनेशन से लड़ी गई और उसके असरा भी आपने देखे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखे लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी में ये रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान चौदह पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट हुआ उसको कंडेंस किया गया जिन चीजों को प्रोग्रेस को मॉनिटर किया गया ये चौदह पॉइंट को फोकस में रखना है और इस पर भी पोलिटिकल कंसेंसिस और अजमे इसम यही कह रहा है मैंने आपके सामने पढ़ दिया कि इसको रीनविगरेट और क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, माफिया गैरकानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मतनाज बना दें ऑन झूठ फेक आर्गूमेंट्स वो इनके अंदर है अगर आप ये देखें अगला भी स्लाइड दिखा दें ये है जी चौदह पॉइंट अगर आप इन चौदह पॉइंट्स को देखें तो इसमें से जो पॉइंट है इज रिलेटेड टू काइनेटिक्स वो तो बेहतरीन तरीके से हो रहा है जो फौज की कानून नाफिज करने वाले अदारों की इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है आपके सामने मैंने बताया कि इस साल में हमने बाईस हजार चार सौ नौ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए है एक सौ सैंतीस हमारे अफसर और जवान शहीद हैं तीन सौ अठानवे दहशत गर्दों को हम जन्म हासिल कर चुके हैं रोजाना बाईस ऑपरेशन एक सौ बाईस ऑपरेशन यही बताया ना आपको एक सौ बारह ऑपरेशन हम रोजाना की बुनियाद पर कर रहे हैं जिसको अगर देखा जाए तो चौबीस घंटे होते हैं तो यह तकरीबन पांच या चार से पांच ऑपरेशन हर घंटे में हम कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस क्या तो काइनेटिक्स में जो फौज ने इंटेलिजेंस ने काम करना उसमें कोई कमी हमने छोड़ी हुई है प्रॉब्लम इज देयर इन दी अदर पॉइंट्स मैं आपको इसका एक रन डाउन हल्का सा देता हूं सो टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों नहीं हो रहा ये कहां खड़ा है एंड वाई दी पीपल वॉन्ट ये ना हो इसमें पीछे जाइएगा इसमें पॉइंट नंबर टू देखें कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंथरिंग ऑफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स ये जरूरी समझा गया 2014-2021 में भी कि जी काउंटर टेरिज्म डिपार्टमेंट्स जो हैं ये बनाए जाएं प्रोवेंस लेवल पे एंड दे विल बी मेन स्टेज जो कि दहशतगर्दी को लड़ेंगे नागटा जो सी है उसने दिसंबर 2023 में वो रिवाइज नैप की एक अपडेट भी निकालता है हर साल आप लोगों ने भी देखी होगी उस अपडेट के अंदर मैं काउंटर टेरिज्म डिपार्टमेंट में केपी में, में और बलुचिस्तान में यहां सबसे ज्यादा दहशतगर्दी नहीं दो सूबों में ना के पी में जो सी टी डी है उसकी इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो चौबीस सौ सैतीस है जिसमें जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं वो सिर्फ पाँच सौ सैंतीस है दहशतगर्दी की आप लहर देखें मा कितनी है बलूचस्तान में दी सी टी डी की स्ट्रेंथ है तीन हजार चार सौ अठतीस जिसमें ऑपरेशनल जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं वो नेक्टा की जो किताब है उसके मुताबिक दो हज़ार सात सौ छिहत्तर तो ये है आपकी काउंटर टेरिज्म की ये तो मैं सिर्फ स्ट्रेंथ बता रहा हूँ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ वहां से आनी और ये आपका का का इसका रिवाइज पॉइंट है इसमें बात की गई है कि मदारस को रेगुलराइज किया जाए रेगुलेट किया जाए रजिस्टर किया जाए तकरीबन बत्तीस हजार से ज्यादा मदारस हैं पाकिस्तान में ये 2014 से मैं और आप सुनते आ रहे हैं कि जी मदारस को हमने रेगुलेट करना है रजिस्टर करना है एक करिकुलम कर रहे हैं सुनते आ रहे हैं या नहीं सुनते आ रहे हैं बताएं इसमें से अभी तक जो रजिस्टर हैं वो तकरीबन सोलह हजार से ज्यादा है दैट मीनस के पचास फीसद के लगभग मदारस का पता ही नहीं कि वो कहां हैं, कौन चला रहा है कौन पढ़ रहा है क्या ये फौज नहीं करना है आप बताएं। ये दहशत गर्दी को निबटने के लिए ये एग्रीमेंट हुए 2014 में भी 2021 में भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम कंसेंसेज से उन स्टेक होल्डर्स के हैं या नहीं है आगे चलिएगा अगली स्लाइड में रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाए गए दहशतगर्दी से निपटने के लिए जिनमें मेरा ख्याल में कानून ये है कि जी आप जब चलान जमा कर दे प्रोसिक्यूशन तो सात दिन के अंदर उसके ऊपर right, फास्ट ट्रैक इसीलिए ना कि जल्द से जल्द उनका किया जाए इस वक्त जो नेक्टा के किताब है उसके मुताबिक जो एटीसी कोर्ट्स हैं केपी में टोटल तेरह है और बलूस्तान में नौ है सी वॉल्यूम ऑफ दहशत गर्दी इतनी दहशत गर्दी है कि हम इस साल में बाईस हजार चार सौ ज्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं इंटेलिजेंस उसके खिलाफ और टोटल कोर्ट कितने हैं एक सूबे में तेरह एक में नौ और कन्विक्शन कितनी हुई है इस साल में पिछले साल में पूरे साल में बुलुस्तान में दस और के पी के चौदह और हम दो हजार चौदह से दो हज़ार इक्कीस से कह रहे हैं कि हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है उसको तगड़ा करना है ताकि जो हम इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें एंड नाउ वी कम टू दैट नंबर थर्टीन पॉइंट जरा नीचे देखिएगा कब इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ इलीगल स्पेक्ट्रम तो ये शुरू से आइडेंटिफाइड है जो इसमें भी अजम इसम में बात हुई कि देर इज ए टेरर क्राइम नेक्सिस उसके अंदर ही ये दहशत गर्दी पनपती है और यह फैसला किया तमाम पोलिटिकल पार्टीज ने तमाम स्टेक होल्डर्स ने कि जी हमने इन लीगल स्पेक्ट्रम को रोकना है ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है ये आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह फील होता है नजर आता है और इसके अंदर एक बहुत बड़ी इकॉनमी है एक इीगल इकॉनमी है जो उसमें छुपी हुई है। और इसी इन इकोनॉमी में इसी इन स्पेक्ट्रम के अंदर से ही क्रिमिनल क्र, सिस्टम और दहशतगर्दी ऑपरेट करती है मैं आपको मसाले दे देता हूं चंदे नॉन कस्टम पेड गाड़ियां एनसीपी व्हीकल्स लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है या नहीं ये पार्ट है ना इस इलीगल स्पेक्ट्रम का करोड़ों का अरबों का बिजनेस हो रहा है ना उसका उन्हीं इलीगल उन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के अंदर ही दहशतगर्द भी ऑपरेट करते हैं जब एक मुल्क में कुछ जिलों में कुछ जगहों में यह नॉर्मल हो एब्सोल्युटली नॉर्मल कि इज के गाड़ी बगैर कागज के चल सकती है उसका कोई पता नहीं नंबर आगे क्या लगा हुआ है उसमें चेसी नंबर क्या क्या चीज है तो उसके दरमियान में दहशतगर्दी ऑपरेट करेंगे बेनामी प्रॉपर्टीज बेनामी अकाउंट्स आर दे नॉट पार्ट ऑफ दिस इलीगल स्पेक्ट्रम अगर आप उसको बर्दाश्त करेंगे तो उसके अंदर फिर दहशतगर्द ऑपरेट करेंगे स्मगलिंग ये जो बॉर्डर है आपका अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान के छह मुल्कों से बॉर्डर लगते ना पाकिस्तान के अलावा ताजिकिस्तान तुर्कमानिस्तान उजबेस्तान चाइना ईरान इनसे भी लगता है जो अफगानिस्तान है उसमें तुर्कमन भी रहते हैं ताजिक भी रहते हैं उजबक भी रहते हैं फारसीबान भी रहते हैं लेकिन बाकी मुल्कों के साथ तो वो सारे पासपोर्ट पर जाएंगे जाते हैं दे आर नॉर्मल बॉर्डर्स वीज़ा सिस्टम है है या नहीं तो ये हमारा बॉर्डर क्यों कि यहाँ पे तस्करे पे यहाँ पे शनाख्ती कार्ड दिखा के अंदर चले जाएं इसको एक सॉफ्ट बॉर्डर रखा जाए इसलिए क्योंकि वो इल्लीगल स्पेक्ट्रम को फैसिलिटेट करता है आपने 2023 के अंदर एलसी को कम किया बिकॉज डॉलर की शॉर्टेज थी तो आपने देखा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड एकदम अरबों डॉलर के लिहाज से बढ़ गया मोर देन ए अरब डॉलर आई थिंक दो अरब फिगर देख लीजिएगा क्यों बढ़ गया क्योंकि आप एलसी नहीं खोल रहे तो वहां जो सामान जाता है वो आपकी मार्केटों में बिकता है बिकता है या नहीं बिकता मिलियंस ऑफ जो है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस रुपया खाली रोजाना की बुनियाद पे जो स्मगलिंग है वो उसकी तेल की स्मगलिंग में बनाई जाती है आप नेम ए थिंग पचास साठ परसेंट इलीगल जोन सा है वो आपका तंबाकू सिगरेट्स बिकते हैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस अरबों की उसमें उसके अंदर इलीगल माफिया है।, है या नहीं नार्को देख लें हमने री की हुई है नार्कोटिक्स के ऊपर सितंबर 2023 से हम कोई एक हजार टन से ज्यादा मंशियात गैर कानूनी पकड़ चुके हैं लेकिन हाउ मच इज देयर विच इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान इन योर स्कूल कॉलेजेस इन योर यंगस्टर्स उसमें भी अरबों रुपया है तो ये जो इीगल स्पेक्ट्रम है इसकी एक रिक्वायरमेंट है एंड दैट रिक्वायरमेंट इज ए सॉफ्ट स्टेट और उसका हल ये रिवाइज नैप है दिस रिवाइज नैप डज नॉट ओनली आंसर टेररिज्म ये पूरी स्टेट और रियासत को और सोसाइटी को ऊपर उठाता है ये एक्सट्रीमिज्म को भी उठाता है आप इसके पॉइंट्स देख लें अगर आप इलीगल स्पेक्ट्रम को करब करेंगे कम करेंगे तो पूरी सोसाइटी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी यह सिर्फ दहशतगर्दी का इलाज तो नहीं है so और अगर उस पैसे को का कुछ हिस्सा वो इस सॉफ्ट स्टेट को सस्टेन करने के लिए लगा दें तो ये बुरा कारोबार तो नहीं है और वो लगाते हैं। अभी चमन में हुकूमत ने रियासत ने यह कहा कि जी हम इसके ऊपर वन डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट लगाएंगे तो वहाँ पे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है चाहे वो सियासी था गैर सियासी था उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं शुरू कर दिया आपके सामने आप लोग सियासत असाफत में आप लोग कबर नहीं करते एफ सी वालों को पत्थर मारो इंसानी हकूक की आ गई कि लोगों को बैठा दो और एक ही डिमांड है कि हमें स्मगलिंग करनी है और जो नीचे बेचारे लोग इन्वॉल्व हैं उनको तो बहुत थोड़ा पैसा मिलता है ऊपर जो माफिया है दैट इज वेर दी दिस बल्क ऑफ दिस मनी दिस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस गोस और वो तो ये पैसा यहां नहीं रखते वो तो डॉलरों में बाहर लेके जाते उससे मीशत को और नुकसान होता है तो ये एक विश्व साइकिल था अजमे इस में जब यह कहा गया कि हमने टेरर क्राइम नेक्सिस को तोड़ना है हमने रिवाइज को रीनविगरेट करना है तो वो जो माफिया है इट गॉट वेरी वरिड इट गॉट सो वरिड के क्लियर रिटर्न वर्ड एब्सोल्युटली क्लैरिटी के साथ कि ये क्या करना है इसके अगराजों मकासद क्या है मल्टी प्रॉन्ग है मल्टी एजेंसी सिस्टम है सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है उनका पहले तो उसको मैं बनाते हैं ना तो दैट इज दर्स्ट थिंग बिकॉज दर वेरी हाई इसमें कोई नजरियात नहीं है ये सब पैसा है और ये थोड़ा बहुत पैसा नहीं है अब वो जो पैसा है उसका कुछ हिस्सा आप मीडिया सोशल मीडिया में भी लगा दें कि जी बोले अजम इसम के खिलाफ और बताएं कि ये मतनाजा है उसी इसी टेरर क्राइम नेक्सेस को सस्टेन करने, स्टेट स्टेट करने के लिए आप दहशत गर्दों को भी लगाए कि मसरूफ रखो अपनी को को अपनी फौज को। आप इंसानी जो इंसानी की तनजीमें भी लगाएं कि चूंकि रियासत इसके खिलाफ खड़ी है और रियासत इस टेरर क्राइम नेक्सेस को जिसकी जो बेसिस है क्राइम की और टेररिज्म की उस पर अटैक करना शुरू हो गई है तो उठाओ मिसिंग पर्सन चलो मिस, अमन मार्च की बात करो और अटैक करो अपनी फौज पे अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पे अपनी लॉ इन्फोर्समेंट पे अपनी पुलिस पे यह काम नहीं करने ये बात नहीं करनी कि जी एटीसी कोर्ट्स बनाए जाएं यह बात नहीं करनी कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स को स्ट्रेंथन किया जाए यह बात नहीं करनी कि रेगुलेट किया जाए मदारिस को और और जो आपके जो वहां पे उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए एक यूनिफाइड नैरेटिव बनाया जाए जो इस टेरर क्राइम नेक्सस के इलीगल स्पेक्ट्रम के आगे खड़ा है उसकी निशानदेही कर रहा है उसको रोक रहा है उसके ऊपर अटैक कर दो ये आपके सामने है एंड दैट इज वाई दिस अजमे काम को इस तरीके से हर जो वो जो उसको का हिस्सा उस लीगल स्पेक्ट्रम की सरप्रस्ती में शामिल है वो उसके खिलाफ लगा हुआ है इफ वी कीप ऑन डूंग इट नो वॉट विल हैपन ये जब पॉलिसी थी कि जो लोग रियासत की रेट के आगे जो दहशतगर्द उसको तस्लीम नहीं करेंगे उसके आगे खड़े होंगे तो जो थ्री डी पॉलिसी थी जिसमें डायलॉग डेवेलप और डिटर था उसमें डिटर करना था उन लोगों को जिन लोगों ने रियासत की तस्लीम को रियासत की जो 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 रियासत के आगे अपना सर तस्लीम नहीं किया उन्होंने कहा कि जी हम जो सा है अपनी शरीयत अपना कानून अपनी सोच अपनी बिल इंपोज करना चाहेंगे और फौज की और कानेटिक्स की और लॉ इन्फोर्समेंट की स्ट्रेटेजी थी और है क्लियर होल्ड बिल ट्रांसफर ऐसे ही है ना यह आपने लफ्स पहले भी सुने होंगे तो फौज तो क्लियर भी कर रही है एरिया को कर चुकी है होल्ड करती है उसके बाद तो सूबाई का काम है उधर बिल्ड करें और ट्रांसफर करें हम तो कई जगहों को कई बार क्लियर करके उनके वाले कर चुके हैं इफ यू डोंट बिल्ड एंड इफ यू डोंट ट्रांसफर इट टू दीपल तो वहां पर दहशतगर्द दोबारा आ जाएंगे तो अगर जो बाकी एलिमेंट्स हैं जो बाकी रियासत के अनासर हैं जो उन बाकी इदारे हैं अगर वो बिल्ड और ट्रांसफर का काम का और जो काम इधर नहीं करेंगे तो आप क्लियर और होल्ड के एक विशेष साइकिल में पड़ जाएंगे कि बस फौज क्लियर करे, होल्ड करे, क्लियर करे, होल्ड करे, क्लियर करे, होल्ड करे एंड इफ आर्मी कीप्स ऑन तो वहां के आवाम को फौज के खिलाफ भड़काना और उसके खिलाफ नफरत पैदा करना मजीद आसान हो जाएगा क्योंकि आप अपना काम तो कर नहीं रहे बिल्ड करने का ट्रांसफर करने का और तवज्जो इस तरफ नहीं जाएगी जो अपने काम करेंगे और वो बयानिया बनाया जाता है तो कमिंग बैक आई एम सॉरी फॉर ए लॉन्ग आंसर बट इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड के टू इज वजमे इस्तेकाम दैट इज के वाईम इस्तेकाम कहा कि ये हमागीर मरबूत एक कंपेन है काउंटर टेररिज्म की और ये सिर्फ दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेगी नहीं अगर हम इस पर अमल करेंगे तो ये पूरी सोसाइटी को और मुल्कों पर उठाएगी and the stakes are very high here. Thank you.